तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत आप लोगों को हम लगातार जो है अनसॉल्व पेपर के सोल्यूशन की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए। देखिए, अनसॉल्व पेपर की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, इनको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। एक सेट मैंने जो है 2024 का सॉल्व करा दिया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका अनसॉल्व पेपर आप देख सकते हैं, इसका आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट नंबर 2। ठीक है, सेट नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे और पीडीएफ मैं आप लोगों को इसकी दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है बालाजी स्टडी मोशन, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारी फिजिक्स की भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी आप सभी लोगों को हिंदी की क्लासें प्रोवाइड करेंगे, उसकी भी पीडीएफ भी वहीं पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, कोई भी अपडेट होती है आपको वहाँ पर मिल जाती है। ठीक हो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन भैया मिलता रहे क्लासों का। तो सेट नंबर 2 की आज पहली क्लास है और पहले के अंतर्गत हम का पार्ट देखेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, सभी लोगों को पता है, और बहुत धैर्य के साथ देखा करें। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपको आता है तो थोड़ा सा सब्र रखें अगले क्वेश्चन के लिए। ओके, सब्र में बहुत ताकत होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि ए एक वर्ग अव्यूह है और इसमें कहा गया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ए एक जो है वर्ग अव्यूह, वर्ग अव्यूह का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होती है, वह अव्यूह आपका वर्ग अव्यूह कहलाता है। इसमें यह कहा गया है तो अगर ए स्क्वायर बराबर ए है तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है ए प्लस आई का होल क्यूब ठीक माइनस का 7 ए, इसकी वैल्यू निकालना है। ए प्लस बी का होल क्यूब तो सभी लोग जानते हो ना क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ai और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी a प्लस आई और माइनस क्या 7a। देखिए, a क्यूब को ले सकते हैं a स्क्वायर इंटू में a, i क्यूब आइडेंटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटी मैट्रिक्स मतलब तत्समक अव्यूह या इकाई अव्यूह जिसके विकर्ण के सारे अवयव एक हो बाकी सारे अवयव शून्य हो, वह इकाई अव्यूह होता है। और आपको बता दें, इकाई अव्यूह का चाहे क्यूब कीजिए चाहे वर्ग कीजिए चाहे जितनी घात कीजिए हमेशा i ही आएगा। ठीक है, और प्लस ये आपका हो जाएगा। देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा जब किसी अव्यूह से किया जाता है तो वही अव्यूह आपका होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे किसी एक एक का गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो वही संख्या रहेगी, वैसे यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगती है। ये 3a हो जाएगा और 3a का गुणा a से हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3a का गुणा i से हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3a। देखिए, i से गुणा होने पर मैंने कहा वही चीज़ रहेगा, उसके बाद माइनस का आपका 7a हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने बताया a के बराबर है तो a और a का गुणा a स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर फिर आपका a के बराबर हो जाएगा प्लस i। यहाँ पर देखिए, ये आपका हो जाएगा 3 a स्क्वायर a के बराबर है और प्लस 3a और माइनस का 7a। देखो, 3a ये 7a हो जाएगा और 7a माइनस का ये आपका 0 हो जाएगा, बराबर आपका i बचेगा। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं खा पाठ की ओर। भाई, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न इनको सॉल्व कर लेते हैं। खा पाठ में दिया गया कि समाकलन कीजिए कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का। देखिए, हमने आपको बताया था कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इन सभी का जब समाकलन करना होता है तो इसको हम 2x वाले फार्मूले से ओपन करते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हो कि जो कॉस 2x का फार्मूला होता है वो 2cos² x - 1 होता है। ओके, तो यहाँ से जब तुम 2cos² x को रोकोगे, 1 इधर लाओगे तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा cos 2x, और जब तुम cos² x की वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस cos 2x बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप इस cos² x के स्थान पर ये वाली वैल्यू जो है रख दीजिए, उसके बाद समाकलन आसान हो जाएगा। इसको i बराबर भी आप मान सकते हो, समाकलन का चिन्ह लगाइए, cos² x की वैल्यू है 1/2 है ना, और dx इसको अलग अलग कर लीजिए इसी वक्त, प्लस समाकलन ऑफ cos² x / 2 dx, मैंने अलग अलग कर लिया ठीक है इसी में वैल्यू रख करके। तो i बराबर ये हो जाएगा 1/2 dx का समाकलन x हो जाएगा। देखिए, इसमें 1/2 बाहर होगा और cos² x का समाकलन होता है 1/2 और ये होता है sin² x प्लस का c। आपने समाकलन पढ़ा होगा, sin ax का समाकलन 1/a और क्या होता है cos ax। ओके, वो भी माइनस का, ये cos है तो ये 1/a sin ax होगा, a के स्थान पर 2 है तो ये आपका आ जाएगा 1/4, पहले इसको लिखिए, और ये हो गया sin 2x और फिर प्लस का 1/2x और प्लस का c,
ये आपके इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है ये इसके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए हम क्लास में आपका समय बिल्कुल भी लॉस नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि यहाँ पर हम प्रपंच करें और अदर चीज़ों पर प्रपंच करें और आपके क्वेश्चन सॉल्व ना कराएं। हम कम समय में आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन कराने की कोशिश करते हैं। तो सभी विद्यार्थियों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। आपका आपकी मांग है कि सर फिजिक्स का भी अनसॉल्व पेपर जो है शुरू कर दीजिए, तो बस आपको नेक्स्ट डे फिजिक्स के अनसॉल्व पेपर की भी क्लास मिलने वाली है, ठीक है। और बाकी वन शॉट क्लास भी मैं आपको दे ही रहा हूं, फिजिक्स की दे रहा हूं, मैथ की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ दे देंगे। हालांकि मैथ का वन शॉट क्लास मैंने सभी चैप्टरों का एक एक दो दो बार दे दिया है, अब नए सिरे से मैं आपको एक बार फिर दे दूंगा, ओके। कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। एनसीईआरटी बुक से आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, तो आप प्रीवियस क्लास से भी हमारे देख सकते हैं। चलिए भाई देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग, ठीक है, यहां पर दिया गया है आई कैप डॉट आई कैप माइनस का है और प्लस का जे कैप डॉट जे कैप और माइनस के कैप डॉट के कैप। देखिए मैंने आपको बताया था आई जे के जो होते हैं यहाँ पर एकांक लंब कोणिक सदिश होते हैं, और एकांक लंब कोणिक सदिशों में संबंध क्या होता है, आई डॉट आई का मल्टीप्लाई वन होता है, ठीक है। तो ये आपका माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि वन माइनस का पहले से, जे डॉट जे की मल्टीप्लाई वन होती है, के डॉट के की मल्टीप्लाई वन होती है, तो माइनस वन प्लस वन ये आपका आ जाएगा माइनस का एक। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है घ पाठ, इसमें एक अवकल समीकरण दी गई है, दिया गया 9d2y/dx² है ना का होल क्यूब दिया गया है और प्लस का ये आपको दिया गया है dy/dx की होल पावर 5 दी गए प्लस 7y = आपको 0 दिया गया है। ये आपको अवकल समीकरण दी गई। आपको हम बता दें, देखिए आपको अगर छोटा दिख रहा हो तो स्क्रीन को रोटेट कर लिया करें, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको दो चीज़ें बताई, किसी अवकल समीकरण की कोट कैसे निकालते हैं और घात कैसे निकालते हैं, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना तय है। अवकल समीकरण को देखिए, अंडर रूट वगैरह ना लगाओ, लगाओ तो उसे हटाने की पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद मैक्सिमम पहले अवकलन देखिए, कितनी बार मैक्सिमम अवकलन किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बार किया गया, यहाँ पर एक बार नहीं, यहाँ पर दो बार किया गया d2y/dx², मतलब मैक्सिमम दो बार अवकलन किया गया है। अब मैक्सिमम जितनी बार अवकलन किया गया इसकी पावर पर जाइए, तो इसकी पावर है 3, तो कोट की अगर बात करेंगे तो कोट हो जाएगा 2, क्योंकि मैक्सिमम अवकलज होता है वो कोट ही होता है। और अगर हम इस अवकल समीकरण की घात की बात करेंगे तो मैक्सिमम अवकलज की पावर जो होती है वो घात कहलाती है अवकल समीकरण की, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी, मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अंगा पार्ट भी चलिए इसी वक्त सॉल्व कर लेते हैं। अंगा पार्ट में दिया गया है कि एक आव्यूह ए है जिसमें एलिमेंट ए कामा बी कामा सी है, एक आव्यूह आपका बी है जिसमें एलिमेंट आपका 2, 3, 4 है। तो ये कहा जा रहा है ए से बी तक फलन होगा, ए से बी तक भैया फलन कौन सा होगा। चलिए ऑप्शन इसमें हम देखेंगे, मेरी बात को समझिएगा, ए से बी तक फलन होने की कंडीशन क्या होती है। सबसे बड़ी बात तो यही है, लोग फलन को ही नहीं समझते हैं कि फलन क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है। चलिए इसको हम समझा देते हैं। देखिए एक आपको दिया गया है समुच्चय, ठीक है, इस समुच्चय को हम ऐसे लिख देते हैं, ए एक समुच्चय है, एलिमेंट ए कामा बी कामा सी, एक समुच्चय है आपका b, 2, 3, 4। a से b में फलन होने की कंडीशन ये होती है कि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी अवयव यहां खाली नहीं होना चाहिए, a किसी से किसी से संबंधित होना चाहिए, और किसी एक अवयव के समुच्चय b में दो अवयव नहीं होने, मतलब दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। जैसे मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, अभी आप समझ जाएंगे ऑप्शन देखकर। दिया गया है ए कामा दो, पहले दिया गया है ए कामा दो, ए मतलब दो से संबंधित है, फिर ए कामा तीन, ए तीन से भी संबंधित, हमने कहा एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते, तो ये कंडीशन नहीं होगी। फिर ए तीन, ए कामा तीन दूसरे ऑप्शन में दिया है, फिर ए कामा दो दिया है, ए तीन से संबंधित, ए दो से संबंधित, ए के फिर दो अवयव हो गए इसलिए भी सही नहीं है, ए कामा तीन बी कामा दो, ए तीन से संबंधित है, बी दो से संबंधित है, और उसके बाद यह सी तीन से संबंधित है। अब देखिए यहां पर हमने कहा कि एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, लेकिन दो अवयव का एक प्रतिबिंब हो सकता है, ओके, ये हो सकता है। तो ए का भी प्रतिबिंब तीन है,
और सी का प्रतिबिंब 3 है और बी का प्रतिबिंब आपका 2 है। यहाँ पर आपका कोई अवयव खाली रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो प्रतिबिंब अवयव होते हैं प्रांत और सहप्रांत आप लोगों ने पढ़ा है ना, पढ़ा है ठीक है, वो प्रांत कहलाते हैं और बाकी पूरे ले लेते हैं तो वो सहप्रांत हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो तीनों अवयव का जो प्रतिबिंब है, देखिए ए का बी का और सी का, तीनों अवयव का प्रतिबिंब हमको सेट बी में देखने को मिल रहा है और किसी एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन जो होगा सही एकदम होगा। अगर चौथा आप चेक करेंगे तो ए का मत 2 बी का मत 4, देखिए ए का मत 2 बी का मत 4, फिर दिया है बी का मत 3। अब बी के यहाँ पर दो अवयव हो जाएंगे, दो प्रतिबिंब अवयव हो जाएंगे, इसलिए ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं होगी। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। ओके, हमने कहा कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है, भले वह अवयव दो अवयव का एक प्रतिबिंब हो वो बात सही है, लेकिन एक अवयव के दो प्रतिबिंब इसमें नहीं उपस्थित होने चाहिए, नहीं तो वो फलन नहीं कहा जाएगा। और कंडीशन ये भी कि कोई अवयव खाली नहीं जाना चाहिए समुच्चय ए में, ए से बी में फलन होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर अंगा, ओके पहले का। अब बढ़ते हैं दूसरे के का पार्ट की ओर। दूसरे के का पार्ट में दिया गया है टैन इनवर्स रूट 3 और माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2। देखिए आप सभी लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, सेक इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा टैन इनवर्स, ये टैन कितने की वैल्यू है आप सभी लोग जानते हो, टैन 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, 60 को लिख सकते हैं पाई बाई 3 माइनस, इसके स्थान पर लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स और थीटा के स्थान पर आपका 2 हो गया। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, टैन इनवर्स टैन थीटा, थीटा के बराबर होता है पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, ये भी आपका सेक इनवर्स, ये सेक किसकी वैल्यू है तो आप कहेंगे सेक पाई बाई 3 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू है, तो यहाँ पर आपका भी आ जाएगा पाई बाई 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 पाई बाई 3 हो जाएगा माइनस पाई, सॉल्व करोगे तो देखिए ये 3 पाई मतलब माइनस का पाई बाई 3 आ जाएगा सॉल्व करने पर, तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन खा पार्ट, दूसरे का खा पार्ट। दूसरे के खा पार्ट में दिया गया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस कितना दिया गया है k कैप, और फिर दिया गया है i कैप माइनस का 4j कैप और फिर दिया गया है लैम्डा k कैप। एक सदिश है, दो सदिश हैं और ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, इसको मान लेते हैं वेक्टर a, इसको मान लेते हैं वेक्टर b। दो सदिश जब परस्पर एक दूसरे पर लंब होते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होता है। जब इनका इनका डॉट प्रोडक्ट हम कराएंगे, यहाँ पर लिखने की जगह नहीं, तो आई डॉट आई का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा, जे डॉट जे का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1, ये माइनस का 4 हो जाएगा, के डॉट के का मल्टीप्लाई 1, लैम्डा 1 जा लैम्डा और इक्वल टू 0। 2 से 4 जाएगा माइनस 2 और माइनस 2 उधर जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 2 आ जाएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। दो सदिश के लंबवत होने की कंडीशन आपको पता है, दोनों सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है भैया 0 के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस सबको रब कर देते हैं, जब सबको रब कर देंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे, है ना। अंसार पेपर को अच्छी तरीके से आप देखते रहिए भाई, ठीक है, और कमेंट पर थोड़ा कम ध्यान देते हुए इधर क्वेश्चनों की ओर ध्यान दें जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, गा पार्ट। गा पार्ट में क्या बोला जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर आपको दिया है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर आपको दिया है 0.3, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बी होता है, चाहे ए इंटरसेक्शन बी बोला जाए या बी इंटरसेक्शन ए बोला जाए। वैल्यू दी गई है 0.18, तो पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए, ऐसे क्वेश्चन का एग्जाम में आना तो तय होता ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, मैंने आपको बताया था जो नीचे होगा उसको वैसे ही रहने देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू है 0.18 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 0.6, काटोगे तो ये आपका 3/10 आ जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं 0.3 आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं गा के बाद घा पार्ट की ओर। दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको दिया गया है 2 प्लस वाई अपान में एक्स माइनस 2। इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपान में 2 प्लस वाई और इसको लिख सकते हैं हम डी एक्स अपान में एक्स माइनस 2, डी एक्स उधर ले गए
क्या करते हैं, यही तो करते हैं, एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ, फिर दोनों पक्षों का कर देते हैं समाकलन। इसका समाकलन आपका हो जाएगा लॉग टू प्लस वाई, क्योंकि वन अपान एक्स का समाकलन कितना होता है, लॉग एक्स होता है, एक्स के स्थान पर टू प्लस वाई, और इसका समाकलन हो जाएगा लॉग एक्स माइनस टू। अब चूंकि दोनों पक्षों में लॉग है तो इसको जब कॉन्स्टेंट जोड़ेंगे वो भी लॉग के साथ जोड़ेंगे, जिससे आसानी के साथ ये सरल हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे क्या भाई, अब क्या करेंगे भाई, ये आपका हो जाएगा लॉग टू प्लस वाई इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग एम एन सी इन टू में कितना हो जाएगा एक्स माइनस टू, लॉग से लॉग दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा, टू प्लस वाई बराबर सी इन टू में एक्स माइनस टू, और ये आपकी इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला जो क्वेश्चन है अंगापाठ, अंगापाठ में दिया गया है कि x प्लस वाई इक्वल टू एक अव्यव दिया गया है 7 0, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है, ठीक है, और दिया गया है x माइनस वाई बराबर एक अव्यव आपको दिया गया है -3 0 और 0 -3, दोनों समीकरणों को ऐड कर लो, अलग अलग अभी x y के मान आ जाएंगे जैसे आप सॉल्व करते आए हो, समीकरण 1 + 2 से जब ऐड करोगे तो y से y कैंसिल, x x 2x हो जाएगा, और दो अव्ययों को हम जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं अगर वो समान कोटि के हैं, तो संगत अव्यय को जोड़ेंगे 7 से 3 जाएगा 4 बचेगा, 0 0 0 हो जाएगा, 4 0 ये 4 हो जाएगा, 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, और 2 को उधर भेजेंगे तो 2 प्रत्येक एलिमेंट के बटे में जाएगा, 2 2 4 2 0 0 2 2 4 2 1 2, ये एक्स अव्यय की वैल्यू आ गई। एक्स अव्यय की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख के वाई अव्यय की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये इससे आसान क्वेश्चन कोई है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के का पार्ट की ओर, चलिए मैं इसको रब कर दूं, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 के का पार्ट की ओर बढ़ते हैं, बढ़े भाई मजा आ रहा है, हमें उम्मीद है कि मजा आ रहा होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के का पार्ट की ओर, का पार्ट में कहा जा रहा है कि एक अव्यव है जिसमें एलिमेंट ए कामा बी कामा सी दिया गया है, और एक अव्यय बी है जिसमें एलिमेंट अल्फा कामा बीटा कामा गामा दिया गया है, मतलब तीनों तीन एलिमेंट हैं, तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ ए समुच्चय में जो नंबरों की संख्या है वो मान लेते हैं एम है, ठीक है, और नंबर ऑफ बी समुच्चय बी में जो अवयवों की संख्या है वो मान लेते हैं एन है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बी से ए तक फलनों की जो संख्या का सूत्र होता है, नोट कर लीजिएगा, ऐसा पूछा जाएगा वो, तो फलनों की संख्या का जो सूत्र होता है बी से ए तक, यानी एम की पावर एम, एन की वैल्यू भी कितनी है आप देख सकते हो, इसमें एन की वैल्यू है 3 और इसको एम माना, इस पर भी 3 है, 3 की पावर 3 का मान होता है 27, फलनों की संख्या कितनी होगी 27। हमने पूरा फार्मूला लिख दिया, यदि नंबर ऑफ ए समुच्चय ए में नंबरों की संख्या एम हो और समुच्चय बी में एन हो तो ए बी से ए तक फलनों की संख्या एन की पावर एम होती है। और एक प्रश्न इसमें पूछा गया है, तथा बी से ए में इनके बीच एकैकी आच्छादी फलनों की संख्या, देखिए एकैकी आच्छादी फलनों की संख्या का फार्मूला होता है आच्छादी फलनों की संख्या, देखिए ऐसे क्वेश्चन छुपा रुस्तम होते हैं, इनका फार्मूला जरूर नोट करें, एग्जाम में रिपीट हो तुरंत है पटक दें वहीं पर। फलनों की संख्या का सूत्र क्या होता है, बी से ए में ही पूछा गया है, तो आप क्या बोलेंगे, बी से ए में, ए में कितना है एम, एम पी एन, आप परमुटेशन और कम्बिनेशन वो क्या कहते हैं क्रमचय और संचय पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तो वही वाला फार्मूला लगा है। क्या होता है फार्मूला, m फैक्टोरियल अपान में m माइनस n फैक्टोरियल, m की अगर बात करें तो 3 फैक्टोरियल है और 3 से 3 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 फैक्टोरियल बटे में 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और 3 फैक्टोरियल को हल करेंगे तो 3 × 2 × कितना हो जाएगा 1, अर्थात ये आपका आ जाएगा 6, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ नहीं कर देते, अगला क्वेश्चन पहले लगा देते हैं तब आगे बात करते हैं। खा पार्ट में दिया गया है कि यदि y इक्वल टू a cos t प्लस b sin t, तो सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिए ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में हजारों बार रिपीट हुआ है, d2y/dt² + y = 0, ठीक ये चीज सिद्ध करना है। ऐसे क्वेश्चनों में देखिए जो सिद्ध करना हुआ करे, हिल गया क्या,
जो सिद्ध करना हुआ करे उसके अकॉर्डिंग काम करो। जैसे डी टू आई बाई डी एक्स डी टी इसको लाना है, मतलब इसका दो बार अवकलन करना है आपको, तो एक बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, अगर एक्स के पदों में होता तो एक्स के सापेक्ष करते। ए कॉस टी का अवकलन करेंगे तो ये माइनस का साइन टी हो जाएगा, प्लस बी अचर पद साइन टी का अवकलन हो जाएगा कॉस टी। एक बार और अवकलन करो, पुनः टी के सापेक्ष क्या करेंगे भाई, अवकलन करेंगे, पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए साइन टी का समाकलन कितना हो जाएगा कॉस टी, माइनस कॉस टी का समाकलन माइनस साइन टी, बी आपका अचर पद रहेगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी बचेगा, और ए कॉस टी प्लस बी साइन टी वाई के बराबर है, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का वाई, इसको इधर ले आओ, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस का वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। इस तरीके से हमें जो प्रूफ करना था ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। चलिए इसको रफ करते हैं और भाई आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए भाई सर रफ कर देते हैं, उम्मीद है आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चनों की ओर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई आप सभी लोगों के समक्ष, ये सदिश बीजगणित का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इसमें दिया यदि इकाई सदिश ए कैप, ध्यान दीजिएगा ए कैप जो है वो इकाई सदिश, मतलब इसके परिमाण एक है, और बी कैप बी इकाई सदिश मतलब इसका भी परिमाण एक है, तो इसके बीच का कोण अगर थीटा हो तो आपको सिद्ध करना है कि जो साइन थीटा बाई टू की वैल्यू है वह किसके बराबर, वन बाई टू मॉड ए कैप माइनस बी कैप। बहुत इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए हम सभी लोग जानते हैं वी नो दैट, हम सभी लोग जानते हैं कि वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप का जो होल स्क्वायर होता है इसको हम मॉड ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, दो बार गुणे में लिख सकते हैं, और ये आपका ए कैप माइनस बी कैप के मॉड का स्क्वायर वैसे ही चलता रहेगा। इसका जब गुणा करेंगे तो ए कैप डॉट ए कैप, फिर ए कैप का बी से होगा तो ए कैप डॉट बी कैप, फिर बी का ए से होगा तो माइनस बी कैप डॉट ए कैप, बी का बी के कैप के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी कैप डॉट बी कैप, बराबर हो जाएगा मॉड ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं मॉड ए कैप का होल स्क्वायर, और इसको देखिए बी कैप डॉट ए कैप को लिख सकते हैं ए बी, और जोड़ेंगे तो टू ए कैप बी कैप, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको लिख सकते हैं बी कैप के मॉड का स्क्वायर बराबर मॉड ए कैप माइनस बी कैप के का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका और इसका मान एक है तो एक रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दो, दो माइनस दो ए कैप बी कैप बराबर मॉड ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। टू कॉमन ले सकते हैं तो वन माइनस ए कैप डॉट बी कैप का मल्टीपल क्या होता है ए बी, मतलब ए का परिमाण होता है आपका ए का परिमाण बी का परिमाण और इनटू में कॉस थीटा बराबर ए कैप माइनस बी कैप के मोड का स्क्वायर। समझते जाइएगा, हर एक स्टेप को अच्छे समझिए। तो ये जाएगा टू ब्रेकेट में वन माइनस, देखिए हमने कहा कि जो ये ए कैप बी कैप है ये इकाई सदिश मतलब परिमाण एक है, तो यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी एक गुणे एक इनटू में केवल कॉस थीटा बचेगा बराबर मोड ए कैप माइनस बी कैप के होल स्क्वायर। कॉस थीटा का हाफ एंगल का फार्मूला लगाना है साइन के पदों में, क्योंकि तुमको साइन थीटा बाई टू लाना है, तो ये टू उधर चला जाएगा आपका पहली बात, तो इसको अभी यहाँ से हटाइए तो ये बचेगा वन माइनस कॉस थीटा का वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, सभी लोग पढ़े होंगे, तो ये जो माइनस वाला है ये प्लस हो जाएगा, और ये टू गुणे से इधर आ जाएगा बटे में एक बटे दो मॉड ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, ये टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर हो जाएगा वन बाई टू मॉड ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। टू को उधर ले जाएंगे
साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर 1/4 मॉड ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर वाला जब उधर जाएगा स्क्वायर, तो ये साइन थीटा बाई टू बचेगा और स्क्वायर से 1/4 बन जाएगा 1/2, और ये स्क्वायर से अंडर, देखो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा 1/4 का अंडर रूट 1/2, और ये मॉड ए कैप माइनस बी कैप बचेगा। और आपको प्रश्न में भैया यही चीज़ सिद्ध करनी थी, समझ में ही बात। ये क्वेश्चन इसमें तो आपका 2 नंबर का है, कभी कभी पेपर में ये 5 नंबर में भी पूछा गया है, ये 5 नंबर के लायक प्रश्न आपका है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है, ये भी गणित में है क्या, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सब रिपीट होते हैं। जैसे एक बिंदु दिया गया है, एक बिंदु दिया गया 3, -2 और फिर -5 दिया गया। इस बिंदु से गुजरने वाली और एक सदिश का समीकरण दिया गया है, और इस सदिश समीकरण को हम लिखते हैं बी से, ठीक है। बी बराबर मान लीजिए आपको वेक्टर बी बराबर मान लीजिए आपको दिया गया है 3i + 2j - 2k। ये इस सदिश के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, और कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए पहले सदिश समीकरण आप निकाल लीजिए। तो सदिश समीकरण जो होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सदिश समीकरण ए से, बिंदु ए से जाने वाली और किसी सदिश बी के समांतर जो रेखा का सदिश समीकरण होता है, वो सदिश समीकरण आपका क्या होता है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये आपका होता है। ओके, अब यहाँ पर इधर भाई थोड़ा सा रफ कर दें हम तो ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए इसको रफ ही कर देते हैं, इसका गेम ख़त्म कर देते हैं भाई, है ना। चलिए भाई इसको देखिए सभी लोग, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर, जहाँ वेक्टर आर जो होता है स्थित सदिश होता है। अब देखिए वेक्टर ए जो होता है इस बिंदु से बना सदिश होता है, तो ये हो जाएगा 3i, फिर माइनस का 2j, फिर माइनस का 5k, प्लस लैम्डा, अगर बी की बात करें तो ये आपका है 3i + 2j और माइनस का 2k। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं xi + yj स्थित सदिश है, और zk बराबर i वाले पास करके i कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 3λi, इसका गुणा किया है और i कॉमन ले लिया तो 3 + 3λ बचा। यहाँ पर हम j लेंगे तो ये -2 और +2λ, -2 + 2λ और इंटू में j, फिर k वाला मामला निपटाएंगे तो +-5 माइनस का 2λ इंटू में k। लैम्डा का विलोप करेंगे, लैम्डा का विलोप करने पर देखो यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू, यहाँ से भी, यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू आएगी, चाहे आप ऐसे निकाल लो, ठीक है। तुलना करने पर, पहले लिखो तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर x का, i का गुणांक x है, यहाँ पर i का गुणांक कितना है, तो 3 + 3λ बराबर हो जाएगा x, लैम्डा बराबर हो जाएगा x - 3/3। अच्छा, जब j वाला के गुणांक की तुलना करोगे तो -2 + 2λ बराबर किसके हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा बराबर y + 2/2 आ जाएगा, तथा यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे -5 - 2λ बराबर किसके हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी z + 5/-2। देखो -5 जाएगा +5 हो जाएगा। अब लैम्डा, तीनों लैम्डा की वैल्यू हैं, अतः लैम्डा का विलोप करने पर, लैम्डा का विलोप करने पर तीनों वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं भाई, बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों वैल्यू लैम्डा हैं, तो x - 3/3 बराबर y + 2/2 बराबर z + 5/2, और ये जो है कार्तीय समीकरण है। ये जो था यहीं पर, ये आपका सदिश समीकरण था, ये कार्तीय समीकरण है, मैंने दोनों चीज़ें आपको ज्ञात करके बता दी भाई। चलिए इसे हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सभी विद्यार्थी भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर नहीं लाइक किए हो तो, और बाकी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो दोस्तों में भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें आप सभी लोग, ठीक है। संख्या कम रहती है तो मनोबल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो संख्या ज़्यादा होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, तो जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा,
वो है आपका वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये वर्धमान और ह्रासमान का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट। देखिए कुछ आप सभी को हिंट भी दे दिया करें तब भी आप लगा लिया करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है, एफ एक्स बराबर आपको एक फलन दिया गया है, ये आपको दिया गया है 3x³, उसके बाद माइनस का 3x² और माइनस का 36x और प्लस का आपको दिया गया है 7। कह रहे हैं कि किस वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये वर्धमान है। इसका भैया एक ही तरीका है, सबसे पहले वर्धमान और ह्रासमान में अंतराल ज्ञात करने के लिए जो फलन दिया होता है उसका एक बार करते हैं अवकलन। तो एफ डैश एक्स बराबर 3 ये 9x² हो जाएगा, माइनस का 6x और माइनस का 36x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, 7 अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर दिखाते हैं अंतराल ज्ञात करने के लिए पहले। तो ये आपका हो जाएगा 9x², पहले तो इसमें आप कॉमन ले सकते हो 3, तो ये बचेगा 3x² माइनस का 6x और 3 × 3 ये 12 हो जाएगा बराबर 0। मतलब ये आपका आ जाएगा 3x² माइनस का 2x माइनस का 12 बराबर 0। अभी आपके बन जाएगी एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम श्रीधराचार्य सूत्र का अप्लाई करेंगे। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, b² माइनस 4ac अपान में 2a, क्योंकि ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होगा, ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। तो x बराबर माइनस b की वैल्यू माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू आपकी माइनस का 12, बटे में आ जाएंगे 2 इंटू में a की वैल्यू है आपकी 3। तो x बराबर आ जाएगा 2 प्लस माइनस, यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 12 बराबर ही 144, प्लस का 144 आ जाएगा, बटे में आपका 6 हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को हल्के में ले लीजिएगा, ये हल्का हो सकता था लेकिन ये हल्का है नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 44 और 148 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, x बराबर 2 प्लस माइनस। देखिए आप सभी लोग जानते हो ये हो जाएगा आपका 37 × 4। देखिए 37 × जब 4 करोगे, 7 × 4 = 28 और 4 × 3 = 12 है ना, 12 तो कितना 14, जब 37 × 4 मतलब 148 होता है तो इसको 2√ कितना लिखा जा सकता है, 37 लिखा जा सकता है, बटे में कितना हो जाएगा 6। सॉल्व करोगे 1 ± √37 बटे में कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लोगे 2 × 3 = 6, मतलब ये कह सकते हैं कि 1x की वैल्यू आएगी 1 + √37/3 और 1 वैल्यू आ जाएगी 1 − √37/3, x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। इन 2 वैल्यू पर हम एक बनाएंगे संख्या रेखा, ये 0 है, 0 के उधर प्लस होते हैं, मतलब बड़ी संख्या होती है 0 से बड़ी और 0 से माइनस यहाँ होते हैं। देखो अगर जब 1 + √37 करेंगे तो ये इधर ही होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर आएगा, तो यहाँ कहीं पर होगा आपका 1 + √37 और बटे में कितना 3, और ये वाला जो होगा कहीं इधर होगा 1 − √37/3, ठीक। अब अंतराल कौन कौन सा बनता है बात को समझिएगा, एक अंतराल इधर इधर होगा माइनस इन्फिनिटिव, एक अंतराल बनेगा माइनस इन्फिनिटिव से 1 − √37/3, एक अंतराल ये बनेगा, एक अंतराल यहाँ से यहाँ तक बनेगा भाई, ये आप कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक बनेगा 1 − √37/3, 1 + √37/3, एक अंतराल ये बनेगा, और एक अंतराल इधर आपका प्लस इन्फिनिटिव होगा, एक अंतराल बनेगा 1 + √37/3 और कामा इन्फिनिटिव। चेक कर लो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो एफ डैश एक्स की यहाँ पर हो जाएगी प्रकृति। चलिए देखो जब आप इससे छोटी संख्या लेंगे, देखो ये अंडर रूट 37 का मतलब 6 होगा, लगभग करीब 6 के करीब होगा क्योंकि अंडर रूट 36 का 6 होता है तो 6.1 हो जाएगा, 1 से 6.1 को घटाओगे कुल मिला के निगेटिव संख्या आएगी, और जब किसी निगेटिव संख्या को आप एफ डैश एक्स में रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये जो संख्या आने वाली है ये पॉजिटिव ही आएगी, आप निकाल के देख लीजिए, समझ गए कितनी आएगी भाई, पॉजिटिव ही आएगी। अच्छा ये पॉजिटिव इस पर आ जाएगी,
अब इस अंतराल पर अगर हम बात करें तो ये और इसके बीच जब आप कोई नंबर रखेंगे, जैसे देखो यहाँ पर कितना, मान लीजिए जीरो रख देते हैं, इसके इसके बीच जीरो भी तो है, जीरो रखेंगे तो माइनस का 36 आएगा, अर्थात आपको निगेटिव मिलेगा। कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको? निगेटिव वैल्यू मिलेगी, ऋणात्मक मिलेगी। अच्छा, इसके और इसके बीच कोई भी नंबर रखेंगे, बड़ी संख्या है जाहिर सी बात है, और बड़ी संख्या जब यहाँ पर रखेंगे धनात्मक संख्या, तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। जब एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फलन हमारा कहा जाता है कि वर्धमान है। क्या है? वर्धमान। निगेटिव पर फलन को कहा जाता है कि इस अंतराल में फलन ह्रासमान है, यहाँ पॉजिटिव है तो इस अंतराल में भी फलन क्या होगा? वर्धमान। तो कहा गया था वो अंतराल ज्ञात कीजिए, वो अंतराल एक ये होगा और एक ये होगा जिस अंतराल में आपका फलन वर्धमान कहा जाएगा। बताइए दो नंबर कितना क्वेश्चन, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, ये दो नंबर का क्वेश्चन है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का खा पार्ट, ठीक है, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। सम विषम फलन लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं अगले क्वेश्चन को, और डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि दो नंबर का है तो हम यहाँ पर निश्चित समाकलन का कोई गुण न लगाते हुए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ओके, तरीके दोनों सही है भैया, गड़बड़ कुछ नहीं होता है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, आई इक्वल टू समाकलन ऑफ लिमिट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। हालांकि यहाँ एक प्रागुण लगता है, उससे भी किताब में आपके एनसीईआरटी किताब में एग्जांपल का क्वेश्चन है, आप शायद देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, हमने कहा जब भी साइन स्क्वायर एक्स फलन होता है तो हम जैसे पढ़ें कॉस 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो जब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये 1 माइनस कॉस 2x बाई कितना हो जाएगा 2। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे हम भैया, तो जब हम रख देंगे समाकलन ऑफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और इसका करेंगे समाकलन आई इक्वल टू, देखिए 1 बाई 2 का समाकलन हो जाएगा 1 बाई 2 एक्स हो जाएगा, और लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अच्छा, यहाँ पर ये 1 बाई 2 इसके बटे भी माइनस 1 बाई 2 बाहर हो गया, कॉस 2x का समाकलन 1 बाई 2 साइन 2x हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी माइनस पाई बाई 2 से कितनी भाई, पाई बाई 2। अलग अलग समाकलन करके हम लिमिट पुट कर देंगे, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। आई इक्वल टू 1 बाई 2 बाहर हो गया, इसमें पहले अपर लिमिट लिखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑलरेडी पहले से माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 1/4। इसमें अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये साइन पाई हो जाएगा, ठीक, साइन पाई जिसकी वैल्यू जीरो होती है, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तब भी साइन माइनस पाई हो जाएगा, लेकिन आएगा कुल मिला के जीरो माइनस जीरो ही। ओके, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, आई बराबर आ जाएगा 1/2, एक हर ले लूँ, ऊपर हो जाएगा 2π, 2 से 2 कैंसिल, ये आंसर आपका आ जाएगा पाई बाई 2। बात को समझ में आई कि नहीं समझ में? चलिए भाई समझ में आ गई तो अच्छी बात। अब जो गा पार्ट है वो आपको हम नेक्स्ट वाली क्लास में सॉल्व कराएंगे, ठीक है, आसान क्वेश्चन है फिलहाल, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि समय ज़्यादा ना लगे इसलिए हम पहले घा पार्ट को सॉल्व करा देते हैं। हालांकि एक बार मैं ये क्वेश्चन जो गा पार्ट है वो सॉल्व भी करा चुका हूँ, 2023 का एक सेट है जिसमें आपका ये 3 के किसी नंबर में पूछा गया है, 2023 का ये चौथा पांचवा सेट है, आप देख लीजिए प्लेलिस्ट बनी हुई, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कराते भी करा देंगे, लेकिन समय लग रहा है मतलब भर का, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको पहले करा दूँ। वेक्टर ए जो कह रहे हैं ये एक इकाई सदिश है, वेक्टर बी आपका इकाई सदिश है, मैं मानता हूँ कि प्रश्न में इकाई सदिश नहीं लिखा है लेकिन क्वेश्चन गलत है, इसमें लिखा है कि यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी सदिश हैं, सदिश नहीं इकाई सदिश हैं, और ये चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो ये इकाई सदिश का मतलब इनका परिमाण एक है, और ये दिया गया है कि जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है ये जीरो के बराबर है, तो आपको वैल्यू निकालना है ए बी वेक्टर ए का कैप बी प्लस वेक्टर बी कैप वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी कैप वेक्टर ए की वैल्यू निकालना है, ये बोला गया, बहुत मस्त क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर कर देना है, इसको या करके लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर जीरो, लिख सकते हो ना, होल स्क्वायर का मतलब ये है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का दो बार डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी।
अच्छा डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ हो जाएगा, तो वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर लिखा जा सकता है। वेक्टर ए का बी के साथ करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। वेक्टर ए का सी के साथ करेंगे वेक्टर ए का डॉट सी हो जाएगा। अच्छा बी का ए के साथ करेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। वेक्टर बी डॉट का मॉड का स्क्वायर क्योंकि बी का बी के साथ हो जाएगा। फिर वेक्टर बी का सी के साथ हो जाएगा। फिर सी का वेक्टर ए के साथ हो जाएगा। फिर सी का वेक्टर बी के साथ हो जाएगा। फिर सी का सी के साथ हो जाएगा। मॉड का स्क्वायर बराबर जीरो। यहाँ एक रख दीजिए, यहाँ एक रख दीजिए, यहाँ पर एक रख दीजिए क्योंकि ये इकाई सदिश है, सीधी सी बात। तो ये तीन हो जाएगा। ए बी और ए बी जोड़ लीजिए, ए बी ए बी कितना जाएगा, बी ए को भी ए बी लिख सकते हैं। तो टू ए बी, टू बी सी प्लस टू सी ए हो जाएगा बराबर जीरो। टू कॉमन ले लो, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर तीन, उधर जाएगा माइनस का तीन। आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर माइनस तीन बटे दो। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, उसको सही कर लीजिएगा। इकाई सदिश है, ठीक है। अब आज देखिए मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, हमें उम्मीद है जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसको लगाइएगा, लग जाएगा। देखो तुल्यता संबंध है तो सतुल्य सममित संक्रामक आप सिद्ध कर दीजिएगा, वो भी हो जाएगा। ए क्या लिखा था, आर वन इंटरसेक्शन आर टू भी एक तुल्यता संबंध है, उसको भी सतुल्य सममित संक्रामक दिखा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सभी तबीयत आज सही नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।